राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज है हमारे लड्डू गोपाल जी का रूम टूर, क्योंकि काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम लड्डू गोपाल जी का रूम टूर दिखाइए। तो आज वही है, लड्डू गोपाल जी का हम रूम दिखाएंगे, जिसमें लड्डू गोपाल जी की हम पूजा करते हैं, जहाँ वो सोते हैं। तो आज वो रूम दिखाएंगे। और भक्तों, आज ठंड काफी हो रही है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास हीटर चलाइए, और आप छोटा सा हवन जो कुंड आता है उसमें थोड़ी सी आग जला के थोड़ा सा गर्म कमरा करिए उनके लिए, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए बना के, जो गर्माहट आती है जिन चीज़ों से, वो खिलाइए। तिल के लड्डू बनाइए और केसर वाला दूध पिलाइए, गुड़ का हलवा खिलाइए, और खिचड़ी महोत्सव चल ही रहा है तो आप खिचड़ी बनाइए और अच्छा से घी डाल के अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाइए। तो चलते हैं, अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का रूम टूर कराते हैं। तो भक्तों, ये हमारा रूम है और इसमें सारा लड्डू गोपाल जी का सामान रहता है, और इसी में मेरा मंदिर है लड्डू गोपाल जी का। तो भक्तों, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का बेड, और जो कि हमने जो वीडियो में दिखाई थी, बेडशीट बनवाई थी और रजाइयां बनवाई थी। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का बेड, और एक हमने ऊपर से राधा किशन की पिक लगा रखी है बेड के ऊपर, हल्की सी कील में टक करके। और ये हार्ट वाला, जैसे मैंने दिखाया ही था, पिलो बने बनाया है, और दो छोटे छोटे टेडी बियर रखे हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का बेड हो गया, और ये लड्डू गोपाल जी की रजाई, जब वो लेटते हैं तब हम उन्हें ये रजाई उड़ा देते हैं। और भक्तों, एक ये हमने ये लगा रखा है, ये हमने किससे, अमेजोन से मंगाया था। तो एक ये हमने चिपका रखी है, तो काफी सुंदर लगती है ये दीवार के ऊपर। ये है मंदिर के ऊपर, और ये है हमारा मंदिर, तो आप सभी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो युगल सरकार ने वूलन की ड्रेस पहनी हुई है, और सभी भगवान को हमने वेलवेट की ड्रेस बनवा के और शॉल बनवा के पहनाई हुई है। और भक्तों, ये हैं मंदिर के पर्दे, कि कहते थे मैम कि मंदिर में आप पर्दा लगाइए। वैसे तो रूम के अंदर पर्दा लगा हुआ था, जब हम इनको भोग लगाते थे, भोग रख के चले जाते थे, तो मंदिर का जो रूम का जो गेट है उसका पर्दा लगा देते थे। फिर भी मैंने ये पर्दे लगा दिए हैं मंदिर के अंदर। और ये मंदिर के ऊपर हमने ये छोटे छोटे कलश रखे हुए हैं, एक ही कृष्ण जी की फोटो रखी हुई है, और ये संपूर्ण कुबेर यंत्र लगाया हुआ है हमने यहाँ पर दीवार पर मंदिर के पास ही। तो हमने ये एक शोपीस है, इसके ऊपर हमने ग्रास बिछाई हुई है, ऊपर से एक गरम चद्दर बिछाई हुई है, और अपने लड्डू बाबू को बिठाया हुआ है, और छोटे लड्डू बाबू ये बैठे हुए हैं। तो सबने शॉल ओढ़ी हुई है, बड़े लड्डू गोपाल ने भी शॉल ओढ़ी हुई है, ये इसके साथ की शॉल है, ड्रेस के साथ की, इसलिए आपको दिख नहीं रही हो, तो ये है अलग से शॉल है। और छोटे लड्डू बाबू आप देख सकते हैं, ये पूरे पैक हैं अभी हमारे लड्डू बाबू। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी ड्रेस अच्छे से, लड्डू बाबू पूरे पैक हुए बैठे हैं, क्योंकि ठंड काफी है। तो आप देख सकते हैं पूरी पैक ड्रेस में ये बैठे हुए, और ऊपर से मैंने इनको शॉल भी उड़ाई हुई है, ताकि इन्हें ठंड ना लगे। और ये हमारी राधा रानी जी बैठी हुई हैं, इनको भी मैंने शॉल वगैरह उड़ा रखी है, और अंदर इनको इनर पहनाया हुआ है गरम। और ये एक मिरर है, वैसे इसमें हम लड्डू गोपाल जी की फोटो बनवाने दी हुई है, तब ये बन जाएगी, तब आपको मैं दिखाऊंगी। इसमें लाइट भी जलती है, और इसमें हम लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, इनकी पिक लगाएंगे। और एक ये लाइट है, ये मेरे को काफी अच्छी लगती है, डेकोरेशन में काफी सुंदर लगती है। ये पॉट वगैरह हमने इनके यहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि अच्छा हमें अच्छा फील होए, और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी अच्छा सा फील होए, कि एक मंदिर अच्छे से डेकोरेट होता है तो खुद को भी अच्छा लगता है, और हमारे लड्डू बाबू को भी अच्छा लगता है, हमारी राधा रानी को भी। और भक्तों, तब सुबह में पूजा करती हूँ, तो ये लड्डू गोपाल जी का सिंहासन है, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का, और ये छोटे लड्डू बाबू का सिंहासन है, और राधा रानी जी को हम इस पे बिठा देते हैं। ये भी चौकी है, तो इस पे भी हमने वेलवेट का कपड़ा बिछाया हुआ है, और वैसे हमारे पास वूलन की बेडशीट है, इसके ऊपर बिछा देते हैं, चौकी के ऊपर वो भी है हमारे पास, वो भी बिछा देते हैं। इसके नीचे तो गद्दा ही है, पूरा गद्दा है इसके अंदर, सिंहासन के अंदर, क्योंकि ये हमने बनवाया था बेड,
और सिंहासन हमने बनवाया था साथ में। तब तक राधा रानी नहीं आई थी, नहीं तो हम थोड़ा या तो एक सिंहासन और बनवाते सेम ऐसा ही, और या फिर हम थोड़ा बड़ा बनवा लेते सिंहासन। तो हमारे पास ये चौकी है, फिलहाल हम इस चौकी पे बिठा देते हैं जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर भी नीचे ही है और लड्डू बाबू बैठ जाते हैं इसी पे। राधा रानी भी, अगर छोटी ड्रेस होती है तो राधा रानी और लड्डू बाबू एक ही सिंहासन पे बैठ जाते हैं, थोड़ी बड़ी ड्रेस होती है तो फिर आ नहीं पाते, तो फिर मैं इनको बराबर में बिठा देती हूँ। और ये हमारी गाय माता बैठी हैं साथ में, और एक ये ऊपर तुलसी का पौधा है, तो अभी इस पे तुलसी कमाई हुई है। एक ऊपर भी तुलसी का पौधा आपने देखा होगा छोटा सा, वो जो रखा हुआ है तो वो काफी क्यूट सा लगता है। है तो ये भी छोटा सा ही, मगर इसमें थोड़ी कम तुलसी आई हुई है। और भक्तों एक ये है, इसमें हम धूप जला के रख देते हैं। तो अभी बच चुके हैं 12, दीपक जलाती हूँ तो थोड़ा तेल ज्यादा ही डालती हूँ ताकि 2 बजे तक ये ज्योत हमारी जलती रहे, इसलिए थोड़ा तेल वगैरह जो भी डालना है घी वगैरह मैं डालती हूँ इसमें, तो थोड़ा देर तक जलती रहती है तो अच्छा लगता है। एक मंदिर में ज्योत जलती हुई अच्छी लगती है, और ये धूप भी जल रही है तो काफी अच्छा लगता है। और ये है भक्तों, ये इत्र है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के रूम में ये इत्र डाल देती हूँ, तो हमें अच्छी काफी अच्छी फीलिंग आती है जब हम रूम के अंदर, और हमारे बाहर तक भी काफी अच्छी खुशबू आती है। एक मंदिर की फीलिंग आती है, मंदिर के अंदर खुशबू आती है फूलों की, इत्र की, ऐसी हमें अपने घर में भी खुशबू आती है। हम थोड़ा इत्र डाल देते हैं सभी भगवान पे और सभी मतलब रूम के अंदर, तो काफी अच्छी खुशबू आती है। तो एक हमने ये हीटर रखा हुआ है, तो हम जैसे थोड़ी देर के लिए हीटर चला देते हैं, थोड़ी गर्माहट आ जाए। अगर हीटर नहीं चलाते तो हम जो हवन मैंने दिखाई दी अपने वीडियो में भी, जो हवन कुंड होता है उसमें मैं उपले जो होते हैं उसकी 11 जला के जैसे वो रख देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी गर्म कमरा हो जाता है। या तो वो जला देती हूँ मैं, या फिर अपना ये हीटर चला देती हूँ तो रूम गर्म हो जाता है। जैसे कि आज बहुत ठंड है तो हमने सुबह चला दिया था, स्नान कमरे में ही कराया था तब चला लिया था ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे। या ड्रॉयर है तो आप ड्रॉयर भी चला सकते हैं, जो आपके पास सुविधा हो आप वो कर सकते हैं, और नहीं कुछ भी नहीं है तो आप जो हवन कुंड आता है उसमें आप थोड़ी सी आग जला के रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के पास, तो उससे गर्माहट रहे। तो भक्तों यही है हमारे लड्डू गोपाल जी का रूम सोने का, और इसमें ही हमारा मंदिर है। तो यही है छोटी सी वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भक्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Ah.